सबसे पहले नमस्कार आप सभी दर्शकों को, मैं हूँ संगीता तिवारी और मैं भीलवाड़ा आई हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, यहाँ का लोकेशन बहुत ही बढ़िया है और शूटिंग करते वक्त भी मज़ा आ रहा है क्योंकि यहाँ का मौसम भी बहुत प्यारा बना हुआ है आजकल। यहाँ आप कौन सी फिल्म की शूटिंग करने के लिए आए, किस तरीके का रोल है, थोड़ा सा आप दर्शकों को बताइए। मैं भीलवाड़ा आई हूँ, भोजपुरी फिल्म बन रही है यहाँ पर, 3 फिल्म इकट्ठा बन रही है। सुनील जागोटिया जी प्रोड्यूसर है और प्रवीण गुदरी जी डायरेक्टर है, राजू सिंह माही एक्टर है, रवि किशन जी है, मैं हूँ, प्रीति जी है और सोनालिका है और बहुत सारे कलाकार हैं इसमें। फिल्म गुमराह की शूटिंग लगभग हमारी कंप्लीट हो गई है और मेरे ख्याल से सिर्फ 2 दिन का काम बाकी है और आज से ओम जय जगदीश फिल्म की शूटिंग स्टार्ट है, जिसमें रवि जी है और राजू सिंह माही और सुनील जागोटिया जी और मैं हूँ। आपने बॉलीवुड की फिल्म सैंडविच में भी काम किया, गोविंदा जी के साथ मैगी का रोल था उसमें आपका, उसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस बॉलीवुड का थोड़ा शेयर कीजिए। बॉलीवुड का एक्सपीरियंस तो बहुत ही, जब मैं मतलब करियर मैंने अपना स्टार्ट भी नहीं किया था, बस वो ऑफर मुझे मिल गया था कॉलेज के दिनों में ही, वो ऑफर मिला था तो मैंने यूं ही कर लिया था। अनीस बजमी जी की फिल्म है, उसमें राकेश श्रीवास्तव जी जो है वो चीफ उनके असिस्टेंट डायरेक्टर थे, तो उनका हमारे घर आना जाना था ऑलवेज, तो उन्होंने मुझे ये रोल ऑफर किया था। तो मुझे बहुत ज़्यादा फिल्म का, मैंने तो कोई एक्टिंग नहीं की थी उस समय, सिर्फ क्लासिकल कथक सीख रही थी, तो उन्होंने जब ये रोल ऑफर किया तो उन्होंने बोला कि सैंडविच फिल्म बन रही है, अनीस बजमी डायरेक्टर है और मैगी का जो रोल है वो की रोल है, गोविंदा जी के साथ में उनकी काफ़ी सीन्स है, तो गोविंदा जी की फिल्में मैं देखा करती थी, मुझे उनकी फिल्में बहुत पसंद आती थी, तो मैंने इसीलिए सिर्फ हाँ किया था। और बाकी वो एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा, शूटिंग के दरमियान बहुत अच्छा माहौल होता था रवीना जी के साथ, महिमा जी के साथ में, बहुत सारी अच्छी यादगार यादें जुड़ी हुई है। और ये फिल्म भी आप देखेंगे कि हर महीने स्टार गोल्ड पे आती रहती है, तो आजकल मतलब ऐसा हो गया है कि सूर्यवंशम की तरह, जी सूर्यवंशम की तरह, तो ऐसा है कि उसी किरदार से लोग मुझे कभी भी कहीं भी पहचान लेते हैं, लाइक जैसे कभी मॉल में जाती हूँ तो बोलते हैं कि मैगी आ गई, अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आज त्योहार भी है आपका, छठ पर्व, छठ को लेके भिलोड़ा वासी को क्या संदेश देंगे, और आप अपने शहर से दूर बैठे हैं तो आपको कहीं ना कहीं अकेलापन तो महसूस हो ही रहा होगा। जी अकेलापन तो महसूस नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे भी सब जितने लोग हैं बहुत ही मिलनसार हैं और अपनापन ही लग रहा है, एक फैमिली हो गई है हमारी यहाँ पर। और छठ पर्व है आज, तो यहाँ पे भी छठ मनाया जाता है, हमारे यूपी बिहार के काफ़ी लोग हैं यहाँ पर, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि छठ पर्व है और सभी देशवासियों को छठ की बहुत सारी शुभकामनाएं। रवि किशन जी के साथ ही मेरा करियर स्टार्ट हुआ था भोजपुरी इंडस्ट्री में, उनके साथ फर्स्ट फिल्म थी ए बलम परदेसी जो जुबली हिट थी और उनके साथ मेरी जोड़ी बन गई थी, ये मेरे ख्याल से 11वीं या 12वीं फिल्म है उनके साथ। अभी तक कितनी हिंदी फिल्में की आपने? हिंदी फिल्में तो वैसे मैंने 4-5 कर ली, 11 फिल्म आई थी एक और केसी बुकाड़िया की फिल्म एक से मेरा क्या होगा, 2-3 फिल्में रिलीज नहीं हुई, तेलुगु में 4 फिल्में की हैं, एक राजस्थानी फिल्म भी की है जय झूंड माता जो सीकर में हमने शूटिंग की थी, 2 मराठी फिल्म की है, एक छत्तीसगढ़ी फिल्म की है और काफ़ी अभी भी कर ही रही हूँ, तो आप कह सकते हैं कि काफ़ी लैंग्वेजों की फिल्में जो है वो मैंने की है। हिंदी और भोजपुरी में क्या फ़र्क लगा आपको? हिंदी फिल्मों का मेकिंग है जो बहुत ही थोड़ा सा टाइम लगता है और भोजपुरी फिल्म अगर आज ही कहानी अच्छी मिल जाती है तो वो कल से शुरू हो जाती है। और राजस्थानी पिक्चर के बारे में कुछ बताएंगे? राजस्थानी फिल्म हुसैन ब्लॉच की थी जय झूंड माता, जिसमें सनी अग्रवाल जी थे और ये फिल्म काफ़ी हिट रही थी, हुसैन जी ने मुझे उसमें अच्छा मतलब उन्होंने अच्छी फिल्म बनाई थी और माता रानी के ऊपर वो फिल्म थी और काफ़ी अच्छे इंसिडेंट हुए थे वहाँ पर सीकर में जब हमने शूटिंग किया था, तो साक्षात माँ के चमत्कार देखने को मिल रहे थे, माँ की कृपा से वो फिल्म भी सुपर हिट रही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच।